सोनिया जी की तबीयत और उनकी एज 75 से ज्यादा है। संजय राउत और राहुल गांधी सोनिया गांधी की नजदीकियों के बारे में सभी को पता है और इसी के चलते भाजपा शिवसेना को सोनिया सेना बताती रही है। और अब जब संजय राउत सोनिया या राहुल गांधी के पक्ष में कुछ भी बोलते हैं तो जनता भी उन्हें ट्रोल कर देती है और फिर से यही हुआ है। सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है और आंसू संजय राउत के निकल रहे हैं और इसी पर फिर से संजय राउत ट्रोल हो गए हैं। संजय राउत ने इस मामले को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इस मामले में सोनिया गांधी को बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है, ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो 75 साल की हो गई हैं, ईडी के अधिकारियों को उनके घर पर जाकर उनका बयान लेना चाहिए था। संजय राउत का पूरा बयान जो है वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं जनता क्या बोल रही है संजय राउत के इस बयान पर। एक यूजर ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा कि मजा नहीं आया गुरु, यही बात शायरी में कहो तो कुछ बात बने। इसके बाद दूसरे यूजर ने कहा कि भारत के आम नागरिक के लिए ये सुविधा दिलाएंगे आप, अगर नहीं तो ये कोई विशिष्ट नहीं है, इनको भी जाना होगा, सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं, अपनी पार्टी के लिए रैली के लिए जा सकती हैं, तो ईडी ऑफिस क्यों नहीं जा सकती हैं। इसके बाद एक और यूजर ने संजय राउत को लताड़ते हुए कहा कि संजय राउत अभी इलेक्शन कमीशन से मामला साफ हो जाने तक तुम शिवसेना नेता ही कहलाओगे, फिर क्यों इतनी खुजली हो रही है, तुमको उद्धव ठाकरे को बर्बाद कर खुशी नहीं हुई जो अब इस मामले में कूद रहे हो। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि ये कौन सा तर्क है कि श्रीमान जी सोनिया गांधी 75 साल से ज्यादा की हैं तो ईडी अधिकारी घर जाकर बयान ले, कल को तो सीजेआई को भी बयान सुनने घर जाना पड़ेगा, आपने संविधान में बदलाव नहीं किया, कर देते तो जैसा आप कहते वैसा ही होता, क्या सोनिया गांधी जी अपने सभी दायित्वों से रिटायरमेंट ले चुकी हैं। इसके बाद एक यूजर ने लिखा कि घर जाकर बयान ले दी, जब जेल हो जाएगी तब चमचे गुलाम ये कहेंगे कि 75 साल की हैं इसीलिए घर में जेल बना दो। एक यूजर ने इसके बाद लिखा कि 75 के उम्र में इस देश में जितने भी लोग हैं ईडी सीबीआई पुलिस सबको घर जाकर उनका बयान लेना चाहिए, चुनिंदा क्यों शायर साहब। इसके बाद एक यूजर ने थोड़ा मजाकिया लहजे में लिखा कि भाई ये ईडी है, कोई जोमेटो नहीं है कि घर घर जाकर डिलीवरी दे, और तेरे सोनिया गांधी के तलवे चाटने के कारण ही शिवसेना गई तुम दोनों नालायक के हाथ से। इसके बाद एक यूजर ने नाराज होते हुए लिखा कि चचा को ये समझाओ कि अगर सोनिया गांधी की उम्र हो गई है तो पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ देवे, साथ में सांसद बन रखी है वो भी छोड़ देवे, जो पूछताछ में नहीं जा सकते वो जनता के लिए क्या ही करती होंगी, क्योंकि ये जो सत्याग्रह का नाटक करके जनता को परेशान किया ये उसी का अंदाजा है। इसके बाद दूसरे यूजर ने लिखा क्यों 75 साल की जनता देश में कूट नहीं जाती, ये क्या बात है, ऐसे ही पता चलता है कि तुम लोग अपने आप को राजा समझते हो और दूसरे को ऐसे ही, अब सबको सेम टाइप से जाना होगा, वीआईपी वाला बात गया। इसके बाद एक यूजर ने लिखा कि मतलब ये भी चोरी में मिला हुआ है और कमीशन चाहता है कांग्रेस से। एक यूजर ने लिखा कि क्यों आज तक देखा है चोर चुट्टे घोटालेबाज खुद आते हैं ईडी का अधिकारी क्यों जाएंगे, एक चोर चुट्टे घोटालेबाज देशद्रोही के पास 75 की उम्र में घोटाले कर सकती हैं, विदेशी दौरे कर सकती हैं, लेकिन सीबीआई या ईडी का नाम सुनते ही सबकी तबीयत अचानक से खराब होने लगती है। और साथ ही लिखा कि चोर घोटालेबाज। इसके बाद एक यूजर ने लिखा कि 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग आज तहसील कोर्ट थाना में न्याय के लिए चक्कर लगा रहे हैं, वो नहीं दिखता आपको, यही फर्क है आम जनता और राजनेता में। इसके बाद एक यूजर ने लिखा कि थोड़ी शर्म करो, विदेशी बैंक हॉस्पिटल को भी घर पर बुलवा लो, ये जनता हल्की राजनीति जानती है, इनसे भी बड़े बुजुर्ग ने गलत किया होगा तो उनकी भी बारी आएगी, मोदी जी शाह जी भी गलत करेंगे तो भविष्य में उनकी भी बारी आ सकती है। अब आपको सुनाते हैं वो बयान जो संजय राउत की तरफ से दिया गया था जिसके बाद लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, देखिए क्या कुछ संजय राउत ने इस मामले को लेकर कहा था। क्योंकि सोनिया गांधी जी को बुलाया है मुझे अच्छा नहीं लगता है, नेशनल हेराल्ड का इशू है, नेशनल हेराल्ड को एक हिस्ट्री है देश के स्वतंत्रता संग्राम के, पंडित नेहरू जी ने बनाया था ये संस्था, उस बचाने के लिए इस संस्था को कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार ने अगर कुछ प्रयत्न किए होंगे तो मुझे लगता है हम सभी ने उसमें योगदान देना चाहिए। सोनिया जी की तबीयत और उनकी एज उम्र 75 से ज्यादा है, मुझे लगता है कि
ईडी का अफसर उनके घर जाकर उनका स्टेटमेंट ले सकता था, लेकिन उनको बुलाया है, प्रताड़ित किया है, ये ठीक नहीं है। सर आखिरी सवाल, पीएम मोदी ने इनडायरेक्ट नोट मारा कि जो भी पार्लियामेंट में चल रहा है उस पर उनका कहना है कि चाहे ओपोजिशन पार्टी हो या फिर कोई इंडिविजुअल हो, उसे देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। देश के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन जो देश के हित में बात करता है उसे देश के खिलाफ बनाया जाता है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। सोनिया जी की तबीयत और उनकी एज 75 से ज्यादा है।